राज राजेश्वरी आश्रम परसोड़ी के तत्वाधान में परसोड़ी स्थित आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान सावनेर के प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर को गुरुजी राजकुमार बसवार द्वारा वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए वाटर कूलर, पीपीई की बेंच, सलाइन स्टैंड, स्टेथोस्कोप कूलर, बेंट पेन, कुर्सियां आदि साहित्य का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सावनेर उपविभाग के उपविभागीय अधिकारी अतुल महत्रे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र की प्रापाठक डॉक्टर मंजुषा ढोबड़े, एडवोकेट शैलेश जैन, सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले, सचिव लक्ष्मीकांत दिवटे, डॉक्टर संदीप गुजर आदि प्रमुखता से उपस्थित रहे। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र की प्रपाठक डॉक्टर मंजुषा ढोबड़े तथा डॉक्टर संदीप गुजर से विनंती की थी कि ग्रामीण भाग में कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में कुछ अत्यावश्यक साहित्य की आवश्यकता है। गुरुजी ने वह विनंती स्वीकार कर सावनेर स्वास्थ्य केंद्र को वहां के मेडिकल ऑफिसर द्वारा बताए गए साहित्य उपलब्ध कराकर अपने सामाजिक दायित्व का परिचय दिया। आयोजन में उपस्थित मान्यवरों ने राज राजेश्वरी आश्रम के गुरुवर्य तथा गुरुमाता द्वारा ग्रामीण भाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को किए गए इस मदद कार्य की दिल से सराहना की और गुरुजी राजकुमार बसवार तथा गुरुमा दीप्ति बसवार इनका शुक्रिया अदा किया है। वहीं उपविभागीय अधिकारी अतुल महत्रे ने कहा कि इस कार्य का मैं गवाह हूँ कि यह आश्रम तथा गुरुजी सदैव जन कल्याण हेतु तत्पर रहते हैं। यह मेरा तीसरा अवसर है, इसे लेकर मैं बहुत अभिभूत हूँ और तीसरी लहर में जो शासन द्वारा पूर्व तैयारी की जा रही थी उस समय भी ग्रामीण भाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इसी आश्रम से मिली मदद से बहुत सहायता मिलने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन डोमासाव सावजी ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना एडवोकेट शैलेश जैन ने की तथा आभार प्रदर्शन गुरुमावली दीप्ति बसवार ने किया। इस अवसर पर गुरुजी राजकुमार बसवार ने कहा कि आगे भी कुछ मदद की आवश्यकता हो तो वे जरूर मदद करेंगे। एक दूसरे के सहयोग के बिना ये जीवन नहीं चलता। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। डॉक्टर मंजुषा ढोबड़े, प्रपाठक ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर, ने उनके स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र को उपयोगी साहित्य उपलब्ध करा देने पर गुरुजी व गुरुमावली का आभार माना। इस अवसर पर समाज सेवी श्री जय देशमुख, चंदू कामदार, ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर के निशा भाटी, स्वच्छता निरीक्षक शैलेश टेकाम, गोमकाले जी राठौड़ सुरजू से, अंतरवासी छात्र निकिता पंडिलवार, सानिका पंचभाई, आयशा पारे, दीक्षा चौहान, गुरुजी के पुत्र कुमार शरभ बसवार, राजकुमार बसवार, वंदना बसवार उपस्थित थे। अच्छा, तीसरे वेळेस तीसरे कार्यक्रमास हा योग आलेला आहे। मी थोडंस याच्यातलं अवांतर करून बोलतो की शासकीय योजना या कितीही लोकोपयोगी असल्या, लोकांच्या कल्याणासाठी असल्या, की जोपर्यंत त्या योजना लोकांच्या पर्यंत पोहोचवणारे माध्यम हे सकारात्मक नसेल, चांगले नसेल, तर त्या योजना ह्या लोकांच्या पर्यंत पोहोचत नाहीये। मात्र याच्या उलट सावनेरमध्ये आरोग्य विभागामध्ये आपल्याला दिसतंय की एक समाजाप्रती असलेली तळतळ, समाजाप्रती असलेली चांगली लोक हे शोधून बरोबर डॉक्टर मॅडमनी त्यांना गरज नाही। आज हमारे पास व्यवस्था है, हम कर रहे हैं। कल हमारे पास ये व्यवस्था नहीं रहेगी या कोई और व्यवस्था रहेगी तो वो करेंगे, मगर इसे स्टॉप कभी नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर कोई अगर हमारे समाज में इसी तरीके से अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा सा दूसरे के लिए कुछ कर ले, कुछ ज्यादा नहीं, चार समझदारी के शब्द समझा के उसके जीवन का उलझन भी सुलझा ले, तो वो भी एक बड़ा दान होता है। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले।